मेरे फोन की जो बैटरी है वो केवल 5% चार्ज है। गाइस फहीम भाई आए हुए हैं। हैप्पी कौन आया है? वो भी कैमरे में देख रहा है। कौन आया है? तो गुजू मुजू है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेस व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ? आई एम एट पार्लर और मैं आई थी मेहंदी लगवाने और आईब्रोज करवाने। तो आईब्रोज तो हो गई हैं बट मेहंदी नहीं हो पाई है। लेट्स सी कि क्या टाइम होता है। ये जो व्लॉग है वो एक दिन पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बकरा ईद के एक दिन पहले। हम लोग डिज़ाइंस देख रहे हैं कि कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, बट अभी कुछ भी नहीं है। ईद बकरीद कभी भी मेरे मेहंदी ना ढंग से लग नहीं पाती है। लेट्स सी इस बार लग पाती है नहीं। लास्ट टाइम भी अगर आपने याद हो आप लोगों को, ईद पर मैंने वो गोल वाली सिर्फ डिज़ाइन लगा लिया था और कुछ भी नहीं, बस मम्मी के मैंने लगा दिया था थोड़ा बहुत जो कि मुझे आता है। तो अभी मैं पार्लर में आई हूँ। आंचल बताओ कैसा लगाओगे? चलो अब गाइस मेरी मेहंदी लग गई है और इस वाले हाथ में अभी नहीं लगी है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत लेट हो गया है और आपसे पाया हमें लेने और आपसे पाया हमें लेने। चलो मेहंदी कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली ना? ये वाली ऐसे करके बस। चलो ये थोड़ा खाली खाली सा नहीं लग रहा है? यहाँ पे लगा दूंगी। अब घर जाके लगा लेना। चलो मास्क वास्क ले लेते हैं डन। चलो सो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और जो पोर होते हैं ना ये नहीं भर रहे थे तो ये मम्मी, तो ये मम्मी भर रही है यहाँ पे। इसने बोला होगा धीरे से तो सुनाई नहीं दिया होगा, तो मैंने तेज बोल दिया। एक्चुअली इसने खाना नहीं खाया ना अभी तक और मम्मी इससे 3 बार बोल चुकी। मैं मारूंगी तारे हूं। इधर कोने कोने में भी करो, इधर ऐसे हाथ डाल के ऐसे ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। और क्या अगर इसमें एक भी दाना निकल गया धूल का तू सिखाएगा? तो खाना नहीं मिलेगा आज। ये देख इसके अंदर धूल है, ये देख। तो खाना नहीं मिलेगा अब, या तो साफ करो। हटो इधर से, हटो जल्दी जल्दी हटो। चलो 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 चलो, ये वाला भी ये वाला भी। मैंने ही कर दिया तेरा आधे से ज्यादा काम। अच्छा, तो उठ के बैठ जा पहले। चलो ठीक से ठीक से ठीक से। खाना नहीं मिलेगा? कितनी मिट्टी आती है हम लोगों के यहाँ? तुम्हारे ही तो आती है, तुम जैसे लोग कैसे जा रहे हो? ओ ओ ओ, एक्सीडेंट हो गया। शिट, ये क्या हुआ यार? ओ यार, इतनी अब तेरे को खाना तो पक्का नहीं मिलेगा। जस्ट अभी अभी नहाई हूँ और जो मेरी मेहंदी है वो कुछ ऐसे रची है। आगे मैंने ऐसे लगा दी थी मेहंदी, इस वाले हाथ पे दिखाते हैं। ये देखो सुंदर लग रही है ना? और मैंने पहना है ये सूट है फ्रॉम क्रीबा और अभी अच्छे से रेडी नहीं हुई हूँ। उससे पहले फातिया कम्प्लीट हो गई थी तो हम लोग ये खा रहे हैं। तो बस अब कुछ नहीं, थोड़ा सा लंच वगैरह करने के बाद हम लोग रेडी होंगे, उसके बाद में देखते हैं कहीं पर जाना होता है या नहीं होता है। लेट्स सी। फिर तू टेढ़ा बैठ गया। सीधे बैठना चाहिए सबको। अरे बाप रे, कैसा लग रहा है? खराब की अच्छा? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा खीर कैसी लगी? अच्छा। रानी तेरे दांत कहाँ चले गए? सोनी सोना तेरे दांत कहाँ चले गए? टूट गए। गाइस फहीम भाई आए हुए हैं।
हैप्पी ईद गाइस, ईद मुबारक सबको, आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। हां तो बात देने के लिए आते हैं, सही बात है। वाह क्या क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो ईद वाले दिन, कोई क्यों आ रहा है मिलने के लिए, आता है तो रुकते नहीं आता है। और इधर साइंस हो रहा है आराम से, मैं घर के अंदर घुसा हूं जब तो ये सब के सब सोने में लगे पड़े थे। अरे हुआ तो अभी भी लेट ही, बस लेट ही थे हम लोग, सर में दर्द रहा पूरी रात, जगी थी आज आज का दिन ऐसे ही बेहतर है। कौन आया है, कौन आया है, तू गुजू मुजू है, गुजू मुजू है, नॉट इंटरेस्टेड। सो गाइस मीट नेहा, नेहा आई है, हमारे भाई आए हैं, खीर खा लो, तन्नु जी और आंटी। हेलो फ्रेंड्स, ईद मुबारक। यस, सबको भी ईद मुबारक। मम्मी आपने ईद मुबारक नहीं बोला यार। यो यो, ईद मुबारक। कौन है, कौन आ रहा है? आंटी के सामने नेक भर लग रही है, आंटी के सामने नेक भर ही है, शादी में मिलेगी दूसरी ईद पे मिलूंगी, दूसरी ईद घसा के मिलेगी। चलो तुम तैयार हो जाना, उसके साथ बात करते हैं, तुम भी वैसे ही आ जाना। ठीक है, फाइनली अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, और यहाँ पे रखा हुआ है मेरा मेकअप का सामान। And where is my beauty blender? Okay, मतलब ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसके सिवा। एंड ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था बहुत ही कम रेट पर। फाइनली अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। एंड गाइज यहाँ पर आई हैव समथिंग टू शो यू गाइज। तो एक टैंक जैसा मुझे कुछ रिसीव हुआ था, ये कुछ इस तरीके का है, और इसको जब मैंने खोला तो इसमें है मेरी बहन शाइन स्टाइल्स का ये पैलेट, एक्स कफ्स एंड लैशेज, और कफ्स एंड लैशेज बाय निधि कटियार के ये ब्रशेज हैं, आई ब्रशेज, एंड हेयर ऑल्सो आई हैव दी फेस ब्रशेज। तो इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ आज मैं, लेट्स सी कि कैसा मेकअप होता है। ये मेकअप लुक अलग जाएगा मेरे चैनल पर, तो वो आई होप कि पहले ही अपलोड कर दूँ या फिर ब्लॉग पहले चला जाए, कुछ भी अभी अंदाज़ा नहीं है मुझे। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, वरना नेहा आ जाएगी और वो बोलेगी अभी तक तुम रेडी नहीं हो, जल्दी चलो जल्दी चलो। और कोई ओकेजन हो और पिंपल ना आए तो ये तो बहुत ही मामूली बात हो जाएगी, तो ये भी इनका भी आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी। सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो केवल 5% चार्ज है, इसलिए चार्जर लेके साथ में घूमना पड़ रहा है। सो आई थॉट कि मैं एक क्लिप शूट कर लूँ कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। ओके, तो कुछ ऐसी लग रही हूँ। ओवरऑल लुक आपको एक सेपरेट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया था, लाइक आईज के अराउंड और ग्लिटर लाइनर लगाया था और लिक्विड लाइनर लगाया है, वो तो आप देख ही लेंगे। और बताइएगा ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है, बहुत सिंपल एंड सटल सा रखा है बस। और आईलैशेस भी नहीं लगाए मैंने, सोचा कि आईलैशेस लगा लूँ, बट फिर सोचा कि नॉर्मल एंड सिंपल ही रहना है, कहीं जाना भी नहीं है ज़्यादा। सो अब कर रही हूँ मैं इंतज़ार नेहा का, क्योंकि वो आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग जाने वाले शगुप्ता घर। ऑलरेडी लेट हो रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, लेट्स सी कितनी देर में आती है वो। सो गाइस जब से रेडी हुई हूँ इतनी सी ही देर में इतने सारे लोग आ गए कि बस पूछो ही मत। और अभी जस्ट नेहा का कॉल आया था, सो मैं जा रही हूँ नेहा के घर पे। मिनाहिल की याद आती है मुझे हमेशा। रिमशा खिला दो नेहा। यही खिला दो नेहा। देख रही हूँ, देखभाल तो चाहिए, अब क्या चाहिए, और मेरे बच्चों को चाहिए। लोगोलोपा लोपा ओ माय गॉड, ये वाला मैं खा लेती हूँ, टूटा वाला पानी पूरी कहते हैं टुरु लव। ओए मां क्या बोलते टुरु लव। हम लोग आ
आ गए हैं किसके घर पे? तनु जी शगुफ्ता के घर पे आ गए हैं। और ओ मेरे पास इसकी क्या जरूरत है नेहा यार, क्यों यार नेहा? अरे यार शगुफ्ता को बुलाओ, मेरे पास रिमशा है। हाँ रिमशा है मेरे पास बाबू। दाल मखनी ये क्या है पता नहीं, ये चावल, ये खीरा, प्याज, ये सबको पता ही है जो होता है। फाइनली शगुफ्ता आ गई। सामने आ जाए। हाँ हम लोग शगुफ्ता के घर से आ ही रहे हैं वापस। और रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश दमदार नहीं धीमे धीमे सी हो रही है। सुबह ना हो यार, सुबह जाना है, सुबह इनको जाना है पता नहीं कहाँ। ओह गॉड। सो गाइस इसी के साथ साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ कंप्लीट, और आई होप कि आप लोगों को देख करके अच्छा लगा होगा। मतलब बारिश हो रही है और पसीना देखो इतना ज़्यादा मतलब हेड पार, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके गाइस देन मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।